हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार अष्टमी का त्यौहार 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन कन्या पूजन का काम करना शुभ रहेगा। 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। कहते हैं नवरात्रों का ये आखिरी दिन होता है, तो कहीं कहीं किसी दिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और कहीं कहीं नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। आप अपने परंपरा के अनुसार जिस दिन भी आपके कन्या पूजती हो उस दिन पूजें। कन्या पूजन के दिन आप एक हो सके तो एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को आमंत्रित कर दें और कन्याओं के साथ एक लड़के को अवश्य ही घर पर बुलाएं। कहते हैं कि वह लड़का बटुक का रूप होता है। जब कन्या आपके घर आ जाएं तो उनके जल से पैर धोएं, उनके पैर छुएं, उनको साफ सुथरे आसन पर बिछाएं और कन्याओं को कलाइयों पर कलावा या मौली बांधें, उनका तिलक करें। इसके बाद उन्हें हलवा पूरी खिलाएं। आप अष्टमी या नवमी के दिन हलवा पूरी का प्रसाद तैयार करें और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्या पूजन का प्रसाद कन्याओं को खिलाएं। बड़े ही प्यार से भोजन खिलाएं, दक्षिणा दें या जो भी आपको गिफ्ट हो उन्हें कन्याओं को गिफ्ट भी अवश्य दें। कन्या पूजन के दिन कहते हैं कि 9 से अधिक कन्याओं को बुलाना चाहिए, इससे कम नहीं बुलाना चाहिए। 9 से अधिक कितनी भी कन्या हो सकती हैं। कहते हैं कि 2 साल की कन्या को कुमारी का रूप कहा जाता है। यह माता कुमारी होती है। इनका पूजन करने से घर की सभी दरिद्रता दूर हो जाती है और हर समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। 4 साल की कन्या का पूजन बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं यदि आपके घर में कलेश रहता हो, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो घर की सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन बेहद शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोष से छुटकारा मिल जाता है। 6 साल की कन्या को माता काली का रूप माना जाता है। काली का रूप पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडिका का रूप कहा जाता है। कहते हैं कि यदि चंडिका का पूजन आप करते हैं तो घर में आर्थिक समस्या कभी नहीं होती, घर में धन दौलत की कमी नहीं रहती। 8 साल की कन्या को शांभवी माता कहा गया है। ऐसा करने से जो भी आपके काम रुके हुए हैं उन सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रु पर विजय मिलती है और शत्रु परास्त होते हैं। 10 साल की कन्या को सुभद्रा माना गया है या सिद्धिदात्री भी माना गया है। कहते हैं कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा का बड़ा ही महत्व है। साथ ही साथ नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन कन्या पूजन हवन आदि के कार्य बहुत ही शुभ होते हैं। 8वें दिन महागौरी रूप की पूजा की जाती है और 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाता है।